दोस्तों बहुत से लोगों का पूछना था कि सर MTS में ट्रेनिंग होता है कि नहीं। तो काफ़ी दिन सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, टाइम नहीं मिल पा रही थी। फाइनली इसका आंसर यह है कि हाँ, MTS वालों को भी ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर ट्रेनिंग होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने गुड़गांव में ज्वाइन किया था, तो हमारी एक लंबी बैच थी 50 लोगों की, जिसमें से कुछ लोगों का ट्रेनिंग हो चुका है। कुछ लोगों का जो ट्रेनिंग हुआ था पहले बैच का, उसका हुआ था करीब करीब 22 दिनों की ट्रेनिंग हुई थी। और उसके बाद दो बैच और बना है हमारा ट्रेनिंग के लिए, तो जिसमें तीसरे बैच में मेरा नाम था और अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रेनिंग में नहीं जा पाया, तो मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी। तो अब क्या होगा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अब ट्रेनिंग छोड़ दी तो क्या होगा। देखो, मेरा एक दोस्त था, कलेगी है मेरा, वो तो उसका पहले बैच में नाम आया था ट्रेनिंग में, तो वो ट्रेनिंग के लिए नहीं गया। तो उसका क्या हुआ कि फिर सेकेंड बैच में जो आया था नाम, उसमें भी उसका नाम आ गया वापस, तो वो फिर भी नहीं गया क्योंकि कुछ हेल्थ इशू था उसका। तो बेसिकली ये होता है कि अगर हम ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, ट्रेनिंग स्किप कर देते हैं, तो जो नेक्स्ट बैच ट्रेनिंग का बनता है, तो उस बैच में आपका नाम वो लोग रिकमेंड कर देते हैं। हाँ, लेकिन आपको उनको बताना पड़ेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग करवा रही है उसको आपको मेल या किसी भी तरह इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप किस कारणवश आप ट्रेनिंग में आ नहीं पा रहे हो, ठीक है, या ट्रेनिंग आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, ये आपको उनको इंटीमेट करना पड़ता है। तो उससे वो आपका नेक्स्ट बैच जब ट्रेनिंग के लिए रेडी होगा, तो उसमें आपका नाम वो रिकमेंड कर देंगे, नेक्स्ट बैच में आप ट्रेनिंग जाकर कर सकते हो। और ऐसा कुछ खास मैंने सुना नहीं है कि ट्रेनिंग ना करने पर ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैंने अपने ऑफिसर से भी पूछा तो वो भी यही कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग आपने छोड़ दी है तो जो नेक्स्ट ट्रेनिंग की जो बैच बनेगी उसमें हो सकती है। हाँ, यहाँ एक दिक्कत होती है कि ट्रेनिंग जो होती है, अगर मान लो मेरा जो बैच था वो लास्ट बैच है इस साल का, और इसके बाद कोई बैच नहीं है, तो फिर क्या होता है कि इस केस में कि जो नेक्स्ट बैच जब भी बनेगा आपका, ठीक है, हो सकता है कि साल भर बाद बने या 1.5 साल बाद बने, जो नई जो कैंडिडेट आएंगे उनका जब ट्रेनिंग होगा तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो बेसिकली थोड़ा सा और यहाँ बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग में सिखाते क्या हैं। तो देखिए, ट्रेनिंग क्या होती है, डिपेंड करती है किसी कोई ट्रेनिंग 15 दिन की, जैसे कि इस बार जो बैच बनी है उनकी ट्रेनिंग मोस्टली आई थिंक 10 या 12 दिन की है। तो मोस्टली इसमें ट्रेनिंग MTS ट्रेनिंग में बताया जाता है कि पहले हायरकी होती है। हायरकी मतलब कि कैसे काम करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, और कौन से ऑफिसर के बाद कौन सा ऑफिसर होता है, उसका हायरकी क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि रैंक पढ़ाया जाता है MTS वालों को। फिर आपको बताया जाता है कि आपकी सर्विस कितने सालों तक रहेगी, सर्विस के दौरान क्या क्या होता है, आपका रिटायरमेंट के प्लान जो होते हैं, आपका जो बैलेंस जो कट रहा कट NPS वाला जो कटता है, तो इसके बारे में सब कुछ बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका CGHS जो कार्ड बनता है, जो भी होता है कि एक एम्प्लॉय को क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। और बहुत सारा प्रोग्राम भी होता है, मैं तो जा नहीं पाया, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो रिव्यू यही मिला कि ऐसा ही कुछ होता है, और बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा खासा आपको नॉलेज मिल जाता है ट्रेनिंग में, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई होप कि मैं भी नेक्स्ट बैच जो ट्रेनिंग के बनेंगे उसमें जा सकता हूँ, ठीक है। और आप लोगों का एग्ज़ाम सामने है, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम पर फोकस करिए, और कोई डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।